हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। टीएन न्यूज़ के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और इस एपिसोड में भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो हमारी जो पहली न्यूज़ है वो आती है टेलीग्राम की तरफ से। तो गाइस, टेलीग्राम का नया अपडेट आया है और टेलीग्राम ने इस अपडेट में यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट लाया है। और ये अपडेट है उसके मैसेज अनसेंड यानी डिलीट का। अभी तक टेलीग्राम में आप अगर किसी को मैसेज प्राइवेट चैट में भेजते थे तो आप 48 आवर्स के अंदर अंदर तक आप उसके चैट से भी डिलीट कर सकते थे, यानी रिसीवर के पास से भी आप मैसेज को डिलीट कर सकते थे। इसका आपको टाइम मिलता था 48 आवर्स मैक्सिमम। अब टेलीग्राम ने उस टाइम लिमिट को ही हटा दिया है। तो गाइज, मतलब अब आप टेलीग्राम पे किसी को भी आपने अगर मैसेज करा है प्राइवेट में, तो आप उस मैसेज को कभी भी अपने पास से और सामने वाले जो रिसीवर होगा उसके पास से डिलीट कर सकते हो। ये एक तरह से यूजर्स की प्राइवेसी को देख के किया गया है कि यूजर्स जो है कभी, जैसे कि जिनका कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी गलती से मैसेज सेंड कर देते हैं और बाद में एकदम से भूल जाते हैं, बहुत टाइम बाद उनको याद आता है कि ये मैसेज करा है और उसको वो डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 48 आवर्स से ज़्यादा अगर हो चुका होगा तो। बट अब जो है आप आराम से 48 आवर्स के बाद कभी भी उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। हालांकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, इसका मिसयूज भी हो सकता है बहुत सारे यूजर्स के द्वारा, बट टेलीग्राम ने जब लाया है तो लाया है। इसके साथ ही टेलीग्राम ने एक और अपडेट लाया है, वो ये है कि आप जब मैसेज किसी के मैसेज को आप फॉरवर्ड करते थे तो वहाँ पे उसके प्रोफाइल का लिंक आ जाता था, सबसे ऊपर में उनका नाम लिखा हुआ, उस पर कोई क्लिक करता था उसके प्रोफाइल पे जाता था। उसको जो है टेलीग्राम ने एनोनिमस कर दिया, यानी कि अगर अब आपका ये मैसेज या आप किसी का मैसेज फॉरवर्ड करते हो तो वहाँ पे जो नाम आएगा उस पर क्लिक करने पे वो कहीं पे भी रिडायरेक्ट नहीं करेगा, प्रोफाइल पे नहीं जाएगा। ये दो बड़ी अपडेट थी टेलीग्राम की तरफ से। सो गाइस, दूसरी जो न्यूज़ आती है वो बहुत ही डेंजरस न्यूज़ है। वो है कि 13 साल के बच्चे ने, स्कूल स्टूडेंट ने अपने स्कूल के सिस्टम को हैक करके उससे अपने फेलो स्टूडेंट्स यानी कि जो उनके क्लास के जो उसके जो दूसरे लड़के थे उनके डिटेल्स, जैसे कि उनका बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ था वो, स्कूल आईडी, उनका नाम, ये सब निकाल लिया और उसको एक दूसरी वेबसाइट पे अपलोड करके और वहाँ लिख दिया कि वो उनके घरों को उड़ा देगा। मतलब 13 साल के एक बच्चे ने क्या किया, मतलब स्कूल के डिटेल्स निकाल लिए अपने अपने दोस्तों के, अपने क्लासमेट्स के, और उसको एक दूसरी वेबसाइट पर डाल के और क्या किया उसने कि बोल दिया कि मैं उनके घरों को उड़ा दूंगा। भले ये जो भी चीज़ थी ये भले ही उसने हंसी मजाक में या फिर ऐसे ही बस खेल खेल में कर दिया हो, बट इसका जो इफेक्ट है काफ़ी सीरियस हो सकता है दूसरे बच्चों पे जिनका उसने हैक करा है, उनके मेंटेलिटी पे, या फिर जिस बंदे ने करा है उसकी भी मेंटल लेवल कहाँ जा रही है ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों जो हैं, इस तरह की चीज़ें जो करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ऐसी चीजें मत करो अभी से ही, क्योंकि आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रक्टिव होता जाएगा और बाद में उसको कंस्ट्रक्टिव बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तीसरा जो न्यूज निकल के आता है वो आता है एसुस के तरफ से। तो गाइज, एसुस के लगभग 1 मिलियन कंप्यूटर्स अफेक्टेड हो चुके हैं एक मैलवेयर से, जिसने क्या किया है कि बेसिकली एसुस का ओरिजिनल डिजिटल सिग्नेचर यूज करके उसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट सर्वर है उसको ही हाईजैक कर लिया गया है उस मैलवेयर के थ्रू। सो गाइज, अटैकर्स ने ये काम 1 साल पहले कर दिया था, यानी कि 1 साल से एसुस के बहुत सारे लैपटॉप्स वल्नरेबल थे इस मैलवेयर से, और इस मैलवेयर के थ्रू सारे एसुस लैपटॉप को टारगेट नहीं किया गया है। कैस्परस्काई लैब से कुछ सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने जो है बताया एसुस को ये रिपोर्ट दी कि आपके लगभग अगर देखा जाए एक एस्टिमेटेड डेटा, जो कि अभी पूरा फिक्स नहीं है कि कितना हो सकता है, 1 मिलियन आपके लैपटॉप्स जो है वो अफेक्टेड है इस मैलवेयर से। और इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन शैडो हैमर कैस्परस्काई लैब के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है उन्होंने एक मैलवेयर जो एसुस का सॉफ्टवेयर अपडेट सर्वर है जिससे वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करता है यूजर्स को, उसमें उन्होंने इम्प्लांट कर दिया है और उसके थ्रू वो लैपटॉप्स में विक्टिम के मेलिशियस स्क्रिप्ट्स और मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर सकते हैं। और इसका जो क्या रिजल्ट है क्या नहीं है ये तो अभी फिलहाल पता नहीं चला, बट उस मैलवेयर के अंदर में कुछ यूनिक मैक एड्रेसेस हार्ड कोडेड है। अभी तक कैस्परस्काई लैब ने लगभग 600 ऐसे मैक एड्रेस को फाइंड आउट किया है जो उस मैलवेयर में हार्ड कोडेड है, और सिर्फ उन्हीं हार्ड कोडेड मैलवेयर जो मैक एड्रेस है उनको ही जो है टारगेट बनाया जा रहा है उन अटैकर्स के द्वारा। अभी क्यों बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हालांकि ये एक चेन अटैक है, जिस तरीके से सी क्लीनर का हुआ था, सी क्लीनर का एक मेलिशियस जो है और एक इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो पूरी तरह से चेन में मिला दिया गया था उसके अपडेट के चेन में, और सारे सिस्टम में उसको जो है वो इंस्टॉल कराया गया था, उसके बाद बहुत सारे सिस्टम इसके वल्नरेबल हो गए थे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारे टिकटॉक की तरफ से। टिकटॉक को लगभग $5.7 मिलियन का
फाइन भरने को कहा गया है FTC के द्वारा, जो कि है फेडरल ट्रेड कमीशन, क्योंकि टिकटॉक ने कोपा के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। जिनको नहीं पता बता दूं, कोपा का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत अगर आप 13 साल या 13 साल के कम उम्र के बच्चों का प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन होता है या फिर प्राइवेसी जो उनकी होती है, अगर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप बिना उनके पेरेंटल गाइडलाइन के थ्रू, पेरेंटल कंसेंट के, अगर आप उसे स्टोर करते हैं या फिर आप उसको रखते हैं, तो ये एक तरह से इलीगल काम है, एक तरह का जुर्म है। तो ये किया है आपके टिकटॉक ने, और जो लोग टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिव रहते हैं, उनके लिए स्पेशली है। जो बच्चे हैं 13 साल से बच्चे कम के हैं, उनकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को टिकटॉक जो है जमा करता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसका सेल करता है डार्क वेब पे या क्या करता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई ऐसी अपडेट नहीं है। इस फाइन के बाद टिकटॉक ने लगभग 13 साल या 13 साल के कम उम्र के बच्चे जिनका टिकटॉक अकाउंट बनाते टाइम जिन्होंने 13 ईयर्स दिखाया हो या फिर रियल में 13 ईयर्स के हो, उनके सारे प्राइवेट जो उस पर वीडियोस थे, जो भी इन्फॉर्मेशन थे, वो सब कुछ उन्होंने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के डिलीट कर दिया गया है। साथ ही में उनको ऑप्शन दिया गया था कि अगर आपको वीडियोस की कॉपी चाहिए तो आपको वीडियोस की कॉपी मिल जाएंगी। बट ये एक नाइंसाफी है, टिकटॉक की गलती के कारण उसके जो क्रिएटर्स है उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि एक वीडियो शूट करने में, एक मीम बनाने में, एक सटायरिक मीम बनाने में कितना समय लग जाता है, कितना टाइम लग जाता है, ये सिर्फ वो कंटेंट क्रिएटर या फिर क्रिएटर जानता है। तो टिकटॉक के क्रिएटर्स कितने सारे क्रिएटर हो सकता है, बहुत सारे लोग फेमस होंगे, उनके जितने वीडियोस हो सकता है, किसी ने 200-300 वीडियोस डाल दिए होंगे, उनके सारे वीडियोस उनको बिना इन्फॉर्म किए डायरेक्ट उसको डिलीट कर दिया गया है। यानी कि टिकटॉक के गलती की सजा उसके क्रिएटर्स भुगत रहे हैं। तो आखिर ऐसी गलती आप लोग करते क्यों हो? और गाइज, टिकटॉक पे मैं आपको हमेशा से बोलता रहता हूं, ऐसी जो एप्लीकेशन है यह आपके इन्फॉर्मेशन के साथ खिलवाड़ करती है और कुछ भी नहीं है। यह आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म दे रही है, इतना कुछ करने को आपको पैसे कमा रही है। तो हालांकि इनके पास भी पैसे कमाने का बहुत सारा तरीका होना चाहिए, एड सिस्टम तो है ही, उसके अलावा भी आपके डेटा को सेल करके भी अच्छे खासे मुनाफा कमाते हैं। ये आपको बताया नहीं जाता जब तक कि इसको कोई भी जो रिसर्चर है या कोई भी इसको जो सिक्योरिटी रिसर्चर है इसको फाइंड आउट नहीं कर लेता है। तो इस तरीके से गाइज, ये थी हमारी 4 आज की लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज। एंड गाइज, ऐसे न्यूज और अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए इस सेक्शन में, और इस सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, तो कल भी इसको देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।